नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सारियन जी इसमें आपका स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे। चलिए हम पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी डाइन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी धारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दूरी। प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या होता है? तो दूरी। प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या होता है? दूरी। प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या होता है? दूरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बल की एस आई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी वोल्ट। बल की, बल का एस आई यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन बी न्यूटन। बल का एस आई यूनिट क्या है? न्यूटन। बल की एस आई यूनिट न्यूटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्विक इकाई है, पार्श्विक किसकी इकाई? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दूरी की। पार्श्विक किसकी इकाई है? तो दूरी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता की, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स की, या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए सीमेंस या टेस्ला या लक्स या लेवल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्स। ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है किसका? आर्द्रता की या दाब की या वर्षा की या तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी दाब की। पास्कल किसकी है? तो दाब की। पास्कल इकाई किसकी है? तो दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैंडला मात्रक है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की या ज्योति तीव्रता की। कैंडला, कैंडला किसका है? तो ऑप्शन डी कैंडला किसका है? तो ज्योति तीव्रता की। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता की। कैंडला, कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? या जूल, न्यूटन, हर्ट या पास्कल। ऊर्जा के क्या होता है मात्रक? तो ऑप्शन ए जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है, ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि की तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि की तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड या 220 मीटर प्रति सेकेंड या 110 मीटर प्रति सेकेंड या 102 या 232 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में और होते 330 से 332 मीटर भी प्रति सेकेंड रहता है दोस्तों, 330 से 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या वायु में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठोस। किस माध्यम में ध्वनि, ध्वनि किस में सबसे तेज चलती है? याद रखना दोस्तों, ध्वनि, ध्वनि किस में तेज चलती है? तो ठोस में ज्यादा तेज चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर है जो मतलब सुन सकता है। ऑप्शन ए 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मनुष्य का जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डीबी है, यानी 60 डेसिबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकते? ध्वनि का जो तरंग है, जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं, वो किस माध्यम में नहीं जा सकती है? ठोस में नहीं जा सकती, द्रव में नहीं जा सकती, गैस में या निर्वात में। किस में नहीं जा सकती? तो ऑप्शन डी निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्वनि नहीं चल सकती है तो किस में? निर्वात में। लेकिन ध्वनि सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलेगी? तो ठोस में। सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलेगी? तो ठोस में। और नहीं चल सकती ध्वनि तो किस में? निर्वात में। निर्वात में नहीं चल सकती है। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कि कौन सी तरंग शून्य संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन सी ध्वनि या उष्मा। कौन सी तरंग शून्य संचरण नहीं कर सकती है?
शून्य संचरण नहीं कर सकती है। कौन सी तरंग, क्या वो ध्वनि? ऑप्शन सी है जो शून्य संचरण नहीं।